हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हिंदी व्याकरण में मैं आपको व्याकरणिक कोटियां पढ़ा रहा था, यानी व्याकरणिक कोटियां होती क्या हैं आपके ट्रिपल एस सी के पेपर में, चाहे अभी तक जो आपका इंटरमीडिएट के स्तर का होता था या ग्रेजुएशन के स्तर का होता था। व्याकरणिक कोटियां अलग से हिंदी में एक विशेष आपकी टिप्पणी लिखी होती है, यानी इसको हमें पाठ्यक्रम में कवर करना जरूरी होता है। और व्याकरणिक कोटियां जितनी हैं, इन सभी से अच्छे खासे सवाल, बढ़िया स्तर के सवाल आप पेपर उठाओगे 19 के, तो उसमें पूछे गए हैं। यानी पहले जो यूपी ट्रिपल एस सी थी, अब जो यूपी ट्रिपल एस सी है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क हो चुका है। इसलिए आपको आज के पैटर्न के अनुरूप, और जैसा कि सुनाई पड़ रहा है पीटी को लेकर के, कि पीटी इसी माह में आपका प्रस्तावित हो और पीटी होगा भी, इसी माह मैंने बोल दिया, मतलब आगामी कुछ महीनों में इसी साल पीटी आपका होना है, यह चीज एकदम तय है। इसीलिए अपनी तैयारी को पीटी और मेंस के लिए बेहतर करिए, क्योंकि अब जो पद होंगे उन पदों में एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन आपके सामने उभर के आ रहा है, और एक अच्छा मौका भी आपके पास आ रहा है कि अगर आपका स्कोर प्रीलिम्स में बहुत बढ़िया होता है तो वह मेंस में आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर, जो मित्रगण पहली बार इस जो है प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और हिंदी का यह पहला सीरीज वो देख रहे हैं, आप इससे पहले की मेरी सारी क्लासेस जरूर देखिए। सभी की नोट्स हम लोग, चूंकि 10 प्लस जो ये कोर्स है, इसके अंतर्गत जो भी वीडियोज हैं वो हम निःशुल्क आपको देते हैं, और हर एक वीडियो के लिए अगर आपको एक व्यवस्थित ढंग की अच्छी नोट्स चाहिए तो उसके लिए 3 महीने का आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले लें, जिसमें आपको जितनी भी क्लासेज हम डेली बेसिस पर पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ, साथ ही साथ उस पर आधारित जो क्विज होती है, यह आपको मिलती रहेगी। तो अभी भी जितनी क्लासेज हो चुकी हैं, सभी की आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, सभी के लेक्चर्स चाहिए, ठीक है, सभी के क्विजेस चाहिए, उसके लिए आपको 3 महीने का एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है, जो कि केवल 499 रुपए में है, मतलब एक नाम मात्र की सहयोग राशि, और आपको बहुत कुछ जो आपके पढ़ाई से संबंधित सफलता की दिशा में बहुत ही जो है ज्यादा सहायक होगी, वो सारी चीजें आप एसेस कर पाएंगे ऐप से। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिए कि सारी जो भी लेक्चर पढ़िए, दोबारा नोट्स पढ़िए, उस पर आधारित क्विज दीजिए, और अपने आप को एक ताकतवर योद्धा के तौर पर रणभूमि में उतारिए। ठीक है, क्योंकि समय अब वही है, कंपटीशन के क्षेत्र में आप बहुत दिन से होंगे या आप नए आए होंगे, तो कंपटीशन का एक रूल है कि जो आपके बाद में आएगा वो आपको हटा देगा हमेशा। भाई अगर एक छोटा सा मैदान है, उस मैदान में सारे योद्धा उतर चुके हैं, तो जब नए योद्धा उतरेंगे तो क्या होगा? जो पुराने योद्धा लड़ रहे हैं वो योद्धा फिनिश कर दिए जाएंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे। तो या तो आप जॉब ले लीजिए, ठीक है, उनसे पहले, और या फिर आप उनसे तेज अपने आप को बना लीजिए। दोनों में से एक चीज तो खरी उतरनी है, नहीं तो नौकरी हाथ नहीं आनी है। ठीक है, यह रण इतना आसान नहीं है जिन चुनौतियों पर आप चल रहे हैं। बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि प्रदेश सरकार की नीति क्या है, नीति के अनुसार अपनी जो है पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन के हिसाब से बेरोजगार क्या है, और बेरोजगार के हिसाब से पढ़ने वाले क्या है। ठीक है, हर एक आंकड़े को आपके आपको मालूम है अच्छे से, इसीलिए बेहतर स्थिति में आइए। जो आपके बाद आने वाले हैं उनको आप उनसे एक कदम आगे ही रहिए, कभी भी पीछे जाने की कंडीशन मत बनाइए, नहीं तो वहीं से पैर कटना शुरू हो जाएगा, और आपको एक मजबूत दमदार, ठीक है, योद्धा के तौर पर एक कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत उतरना है और अपने आप को एक बेहतर स्थिति में खड़े पाना है। ठीक है, तो सारे लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रगणों को भी टीम परीक्षा प्लस परिवार में जोड़ते रहें। ठीक है, टीम ऐसा आशा करती है कि आप सभी लोग इन सारी चीजों को बखूबी अपना रोल प्ले करेंगे। कोई भी समस्या है, ईपीएफओ के क्रैश कोर्स में जुड़ना है आपको, यूपीपीसीएस के क्रैश कोर्स में जुड़ना है आपको, बीओ के क्रैश कोर्स में जुड़ना है, उसके लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, कॉल करने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और उसके बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के पॉइंट को हम शुरू करते हैं, आज की व्याकरणिक कोटियां। इससे पहले मैंने आपको 2 व्याकरणिक कोटियों के बारे में पढ़ाया है और ट्रिपल एससी 9 व्याकरणिक कोटियों के बारे में आपसे पूछता है। ठीक है, तो 2 हम पढ़ चुके हैं, आज तीसरा हमारा नंबर है। जितने भी, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, मेरे हर एक लेक्चर को बहुत विधिवत देखिए, बहुत ढंग से देखिए, क्योंकि मैं पॉइंट उसी हिसाब से आपको पढ़ाता हूं जिनका रिलेशन एक के बाद दूसरे से हो।
आज तीसरी व्याकरणिक कोटि आपके सामने है और वह होती है आपकी कारक। हिंदी में कारक का रोल जो होता है यहां बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कारक पर आधारित जैसे प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पूछता है तो वह कारक जहां पर आपको विभक्तियों में कंफ्यूजन पैदा करता है वहीं से सवाल हमेशा आपसे पूछे जाएंगे। इसीलिए बहुत कंसंट्रेट होकर, भले ही आपने पढ़ रखा है, ठीक है, यहां पर कुछ ना कुछ आपको चीजें नहीं मिलेंगी जिससे कि आपको समझने में, देखो एक कंपटीटर के अंदर अगर जिज्ञासा खत्म हो गई तो समझ जाओ कि आप अपने आप को खत्म करने लगे। आपको हमेशा हर एक पॉइंट को फिर से नए तरीके रूप में जानने का प्रयास करना ही चाहिए, ठीक है। जहां आपके अंदर यह चीज उत्पन्न हो गई, मैंने जैसा कि देखा है बहुत सारे बच्चों में, उनके अंदर जहां यह बात आ जाती है कि अच्छा मैंने ये तो बात पढ़ ली है, ये तो मैंने फला चीजें पढ़ ली है, आपके मन में जैसा जिस दिन ऐसा पैदा हुआ उसी दिन आप समझ जाना कि आप नए क्या, आप जो पुरानी चीजों को जान रहे हो वो भी अब से दूर हो जाएंगी, ठीक है। ये ऐसा रण है भैया जिसमें आपको लगातार, ठीक है, देखो एक योद्धा होता है चाहे जितना कुशल तलवारबाज है लेकिन वो हर दिन क्या करता है, तलवार से प्रैक्टिस करता है। आपकी तलवार आपकी कलम है, आपके सामने खुली किताबें हैं, उन पर नजर दौड़ाइए, वही युद्ध का मैदान है। जो अच्छे अच्छे प्रश्न मिले वही आपके क्या है, चुनौती देने वाले हैं, उन्हीं पर लगिए, उन्हीं को दमदार सॉल्व करिए। हमेशा पढ़ोगे कुछ नया ही मिलेगा, ठीक है, ये प्रकृति का नियम है। किसी चीज पर खोज करोगे तो आपको कुछ ना कुछ उसमें बेहतर नजर आएगा। और अपनी नियत को एकदम क्या बनाए रखिए, अपनी जो नियत है, अपने अंदर जो आप सोच पैदा करें, ठीक है, आपके अंदर जब ये सोच होगी कि अच्छा इस फला जगह से मुझे ये चीजें हासिल करनी है तो वो चीजें आपके को मिलेंगी और उसका परिणाम मिलेगा। अगर आपके अंदर ऐसी सोच नहीं है तो आप करके देख लीजिए, चैलेंज है मेरा, ये चीजें आपको लगातार निगेटिविटी ही देंगी, ठीक है। तो सबसे पहले विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के लिए जिज्ञासु बनिए, ठीक है, जिज्ञासा बहुत बड़ी चीज है भैया। और दूसरी चीज, किसी भी जो है दूसरे के प्रति आप एक ऊर्जावान आशावान की तरीके से रहिए, ठीक है। हमेशा आप ये जब देखेंगे कि अच्छा इस चीज से हमें क्या मिल सकता है बेहतर जिसका हम सदुपयोग कर सकें तो वहां आपको मिलेगा। और लेकिन अगर आपने पहले से ये दिमाग में पाल लिया यार हटाओ इससे कुछ नहीं होना है तो वहां पर आप दो चार चीजें अपनी भी छोड़ के चले आओगे, ये नियम है प्रकृति का। तो चलिए कारक पर बढ़ते हैं। परिभाषा क्या है, सामान्य सी परिभाषा है कि जो क्रिया को करता हो या क्रिया के करने में जिसकी सक्रिय भूमिका हो वह कारक है। क्या परिभाषा हुई कि क्रिया के करने में सहायक भूमिका निभाने वाला या क्रिया के होने में, इसकी जो आप परिभाषा लिखेंगे, क्रिया के होने में सहायता करने वाला जो आपका होता है, ठीक है, सहायक जो होता है वह कारक होता है, ठीक है। कारक में विभक्तियां होती हैं, यहां पर जो क्रिया होगी यानी कार्य में जो किसी वाक्य में होना या जो है मतलब कोई चीज करने वाली पाई जाती है वो क्या होता है, कारक होता है। यानी यहां एक चीज बहुत अच्छे से, वैसे तो मैंने क्रिया में आपको पढ़ाया कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना वहां मैंने शब्द बताया, यहां मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि जो क्रिया के होने में सहायता दे वह कारक है, समझ गए। जैसे पहला उदाहरण मैं सामने लिख रहा हूं, राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा। अब यहां देखिए राम ने रावण को, अब ये जो चीजें आ रही हैं ये क्या हैं, क्रिया को संपन्न होने में अपनी भूमिका अदा कर रही, इसीलिए ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब आपके कारक की भूमिका को अदा करते हैं, ठीक है। इन्हीं के आधार पर, चूंकि बहुत सारी विभक्तियां होती हैं कारक में, इन विभक्तियों के आधार पर कारक के 8 भेद बनाए जाते हैं। हालांकि विभक्तियां तो होती ही होती हैं, इनके साथ ही साथ आपको यह भी जानना जरूरी होता है कि विभक्तियों के साथ कुछ वाक्यों में उनके अर्थ के अनुसार कि इस वाक्य में कैसा अर्थ आ रहा, इस वाक्य का क्या आशय है, उस अनुरूप भी कारक को हम चुनते हैं, ठीक है। और जहां पर ये आपके अर्थ के अनुसार लिए जाने लगे, उसमें जो भावार्थ प्रकट है उस भावार्थ के अनुसार जब चीजें ली जाने लगती है तो वहीं पर ही आप में क्या होती है, एक उलझन पैदा होती और जो कि सवालों के उत्तर को गलत कराने में भूमिका अदा करती है। इसीलिए ध्यान रखना, अब आपको पढ़ना है कि कारक के भेद क्या होते हैं। तो कारक के जो भेद बनते हैं भैया, यह 8 बनते हैं, ठीक है।
कारक के जो भेद बनते हैं यह 8 प्रकार के बनते हैं, इन्हीं को बहुत विधिवत ढंग से आपको समझना है, एक एक को मैं उनमें क्या विभेद होते हैं, जैसे भेद पढ़ेंगे भेद के साथ साथ उपभेद भी पढ़ लेंगे इसी साथ, कि कारक अगर कोई है पर्टिकुलर, करता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अर्धकरण है, संबोधन है, ठीक है, अगर ऐसे मिल रहे हैं आपको तो इनमें क्या कोई उपभेद भी बनता है, इन सारी मना स्थित पर मैं यहां आपसे बात करूंगा, परिचर्चा करूंगा, तो बहुत ढंग से समझना है, ठीक है। देखो मैंने जो चीजें आपको बताई वही चीजें नोट्स में होती हैं, मेरा यही प्रयास होता है कि जिस भाषा में मैं आपको पढ़ाता हूं उसी भाषा में मेरी नोट्स रहे, कि ताकि जब आप दोबारा नोट्स को आप ओपन करिए तो वहां पर आपको लगे कि फिर से मैं लेक्चर को पूरा देख रहा हूं, ठीक है, और इसी का फायदा बहुत मिलता है। ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि कारक क्या है, कि कार्य को करने वाला यानी जो क्रिया को करने में भूमिका निभाए वह कारक है। उदाहरण लिखा, वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, ठीक है, रमेश नरेश खाना खाता है, पहाड़ों के बीच में है, सूरज किताब पढ़ता है, इन सभी में कारक छिपे हुए हैं, क्रिया को करने में जो भूमिका निभाए। कारक के भेद समझ लो कितने प्रकार के हैं, कारक के भेद मुख्यतः 8 भेद होते, मैंने जैसा बताया, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ठीक है, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, यह 8 उप आपके भेद बनते हैं कारक के, और इन्हीं में एक आध में आपको उनके उपभेद भी देखने को मिलेंगे, तो ये चीजें जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपके सामने आएगा। कारक के भेद कितने हैं, 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है, ये 8 भेद आपके कारक के हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इनमें कौन कौन से, एक एक को पढ़ते हैं, बहुत विधिवत परिचर्चा करते हैं कि आखिर कर्ता कारक है तो कर्ता कारक में क्या चीजें मिलती है। यथा नामे जथा गुणे कर्ता, यानी इसी काम को जो करता है उसी को तो कर्ता बोलेंगे, यानी कर्ता कारक की परिभाषा सामान्य सी होती, जो वाक्य कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता, कर्ता वाक्य का वह रूप होता जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता, यानी वाक्य में जहां पर कार्य के करने वाला का पता चले वहां समझ जाना कि वह कर्ता है, ठीक है। इसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है वह ने होती है, ठीक है, इसकी विभक्ति चिन्ह ने होती है, जहां वाक्यों में आपको ने शब्द मिलेगा वहां समझ जाना यहां कर्ता का रोल है। उदाहरण समझ लो, विकास ने फुटबॉल खेली, अब यहां ने शब्द आपका आया, ठीक है, ने जो विभक्ति आई यह बता रही कि विकास यहां क्या है, यह कर्ता की भूमिका को अदा कर रहा, समझ गए, ये चिन्ह जो ने मिल गया या कर्ता कारक का चिन्ह है, इसलिए विकास जो है कर्ता हो गया, समझ गए। अगला उदाहरण मैंने लिखा है, दिनेश ने पीड़ित की सहायता की, अब दिनेश ने, ठीक है, फिर से वही विभक्ति चिन्ह मिल गई, यानी दिनेश ने पीड़ित की सहायता की, दिनेश यहां कर्ता की भूमिका को निभा रहा, इस वाक्य में जो करने वाला वह दिनेश है, इसीलिए यह कर्ता कारक है। कर्ता कारक के प्रकार में देखिएगा, इसके 2 प्रकार बनते हैं, ठीक है, कर्ता कारक के 2 प्रकार बनते हैं, तो इनको समझ लीजिए। पहला जो प्रकार होता है यह होता है परसर्ग रहित, वो परसर्ग सहित, और दूसरा जो विभेद बनता है वह परसर्ग रहित होता है। कर्ता कारक के 2 भेद हैं, एक परसर्ग सहित है, यानी जब वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है, राम ने रावण को मारा। दूसरा होता है परसर्ग रहित, जब वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता, तो दोनों इसी के अंतर्गत आते। आप कहें कि गुरुजी ने आप गुरुजी आपने तो पढ़ाया कि ने जहां आएगा वहां कर्ता होगा, इस वाक्य में तो ने नहीं रहा, फिर मैं कैसे गलत हुआ, तो इसी को समझिए कि जो कर्ता के प्रकार बनते हैं उसमें 2 प्रकार बनते, एक जगह ने लिखा भी मिलेगा, एक जगह नहीं लिखा होगा तब भी भैया वो कर्ता होगा। दूसरी बात ये समझिए, जो परसर्ग सहित होगा या मुख्यतः भूतकाल के वाक्यों में प्रयुक्त होता है, और जो परसर्ग रहित होगा या मुख्यतः वर्तमान काल एवं भविष्य काल में होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे इसके उदाहरण हैं, रामू ने अपने बच्चे को पीटा, अब यह भूतकाल में गया ना,
ये परसर्ग सहित था, ने यहां शब्द आया लेकिन यह भूतकाल में गया। राम ने अपने बच्चे को पीटा, रामू ने अपने बच्चे को पीटा, मतलब वो पीट चुका, तो ये भूतकाल की बात होती। लेकिन जब वर्तमान काल और भविष्य काल की बात करते तो वहां ने परसर्ग नहीं मिलेगा। जैसे सुरेश उपन्यास पढ़ता है, अब सुरेश उपन्यास पढ़ता है इसमें कहीं ने लिखा है? नहीं लिखा। फिर भी सुरेश किसकी भूमिका अदा कर रहा? यह कर्ता कारक की भूमिका अदा कर रहा। दूसरा है नरेश खाना खाता है, अब नरेश ही तो करने की भूमिका को अदा कर रहा, इसीलिए नरेश यहां क्या है? कर्ता कारक है। सूरज किताब पढ़ता है, किताब को पढ़ने की जो कार्य कर रहा वह सूरज कर रहा, इसीलिए सूरज यहां क्या है? कर्ता कारक है। तो ने परसर्ग सहित और ने परसर्ग रहित दोनों प्रकार से कर्ता का निर्माण होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको पूरी तरीके से। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग नोट्स बना रहे खुद से। तो कर्ता कारक के ये प्रकार बनते हैं। ठीक है, कौन सा? एक परसर्ग सहित, एक परसर्ग रहित। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगली चीज समझिए कर्म कारक को। कर्म कारक क्या है? ठीक है, कर्म के बारे में आप जानते हैं, वाक्य को आपने पढ़ा है कक्षा 8, अगर आपने हिंदी पढ़ा होगा, अंग्रेजी पढ़ा होगा, सभी में कर्म कारक होता क्या है समझिए। वह वस्तु या व्यक्ति, यहां दो चीजों को लाया गया, वस्तु को भी लाया गया और व्यक्ति को भी लाया गया। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर क्रिया का जो होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता वह कर्म कहलाता है। ठीक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव आए, समझो कैसे, इसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है कर्म कारक की, वह को होती। अगर वाक्य में को शब्द लिखा मिला तो समझ जाना कि इसमें कहीं ना कहीं कर्म कारक का यह द्योतक है। जैसे समझो, सीता ने गीता को बुलाया, अब यहां को विभक्ति चिन्ह जैसे मिली तो आपको ध्यान करना है कि को तो भैया कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसीलिए यहां पर जब आपसे पूछेगा ऐसे रेखांकित कर देगा और कहेगा उपयुक्त वाक्य में कौन सा जो है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो वहां आपको कर्म कारक मिलेगा। ठीक है, अगली चीज जैसे इसमें एक चीज को ध्यान रखिएगा कि जो क्रिया है, क्रिया का प्रभाव पड़ेगा कर्म पर, इस चीज को भी बहुत अच्छे से समझ के चलना। ठीक है, सीता ने गीता को बुलाया तो बुलाने का प्रभाव तो गीता पर ही पड़ा। ठीक है, गीता को बुलाया तो बुलाने का जो प्रभाव, क्रिया जो संपन्न हुई बुलाने की, वह गीता पर संपन्न हुई, उसका प्रभाव पड़ा, इसीलिए यह क्या है, यह कर्म कारक का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, इनके अन्य उदाहरण को समझ ले। गोपाल ने राधा को बुलाया, मेरे दोस्त ने कुत्ते को भगाया, अध्यापक छात्रों को पीटता है, यह पूछा भी है। ठीक है, अध्यापक छात्रों को पीटता है। अगली चीज है, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। यहां हर जगह को शब्द आपको मिल रहा, और विभक्ति चिन्ह जब मिलती है तो वहां हमारे दिमाग को क्या मिलता है, सुकून मिलता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो इसका उपभेद है वह आपका है करण कारक। समझिए, करण यानी जहां पर जब क्रिया संपन्न होती है तो क्रिया के संपन्न होने में जो क्या करता है, एक साधक की भूमिका निभाए, ऐसा समझ सकते हैं, या क्रिया के संपन्न होने में जो क्या करे, साधन बने, वह क्या होती है, करण कारक के अंतर्गत होती है। उसकी परिभाषा हम करण कारक में बोलते, यानी वह साधन जिससे क्रिया संपन्न होती वह करण है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाए। यह चीजें ध्यान रखना, काम को अंजाम जिसकी सहायता से दिया जाए वह करण कारक है। इसकी विभक्ति क्या होती है, इसको समझ लीजिए। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, इस चीज को दिमाग में बना लीजिएगा, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। ठीक है, पहला होता है से और दूसरा जो होता है के द्वारा। इन दोनों शब्दों में जहां आपको वाक्यों में ये दोनों शब्द मिलेंगे वहां दिमाग को थोड़ा सा रोकना है कि यहां पर क्या है, यहां पर आपका करण कारक का कहीं उदाहरण तो नहीं मिल रहा। ठीक है, अब से आगे भी आपको मिलेगा, से यहां भी मिल गया, तो दोनों में भी भेद को समझ लेना। ठीक है, यहां करण कारक, यहां से जब आपको मिलेगा तो वह क्रिया के साधन के तौर पर होगा, इस चीज को ध्यान रखना। उदाहरण को देखिए और भी कंफ्यूजन आपकी जो है वो दूर होगी। जैसे वह लड़का ठंड से कांप रहा था, वह लड़का ठंड से कांप रहा था, यानी यहां जो आपको से आपकी विभक्ति मिली, ठीक, इसमें
कांपने का कार्य तो हो रहा, कांपने का कार्य हो रहा, लेकिन लड़का क्या है, क्रिया के होने में सहायक है। ठीक है, ऐसी चीज याद रखना है। अगली चीज, यहां ठंड जो है क्या है, वाक्य में कर्म बन गया। लड़का ठंड से कांप रहा था, ठीक है, इसकी वजह से कांप रहा था, इसलिए यह उदाहरण करण कारक के भेद के अंतर्गत होगा। मैंने उसी भाषा में, जैसे मान लीजिए कि आप पीडीएफ पढ़ रहे, कोई चीज उदाहरण को आपको समझने में कंफ्यूजन आ गई, तो वहां पर उसके नीचे लैंग्वेज लिखी है। ठीक है, परेशान नहीं होना है। राम ने बाली को बाण से मारा, ठीक है, अब राम ने रावण को, वो बाली को बाण से मारा, यहां रावण भी कर सकते हैं। यह क्रिया जो है बाण के द्वारा, जो मारे जाने की क्रिया है वह बाण के द्वारा संपन्न हो रही। ठीक है, बाण से मारा या बाण के द्वारा मारा, दोनों चीजें तो वहीं आ गई। तो यहां पर जो है बाण जो है क्रिया को संपन्न होने का एक साधन है, जरिया है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह करण कारक होगा। आगे बढ़ते हैं, अन्य उदाहरण भी लिखा है। बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, पत्र को कलम से लिखा गया है, राम ने रावण को बाण से मारा, यानी यहां पर जो आपको मिलेगा वो के द्वारा या से, यानी क्रिया के साधन का आपको एकदम स्पष्ट ज्ञान होगा कि यह क्रिया के साधन के तौर पर प्रयुक्त है। अगला भेद चौथा पढ़ते हैं, संप्रदान। संप्रदान जो भेद होता है कारक के अंतर्गत, इसका अर्थ होता है सम प्रदान। प्रदान का अर्थ क्या, किसी को कुछ देना। प्रदान का अर्थ क्या होता है, किसी को कुछ देना। यहां समझिए, संप्रदान का अर्थ देना होता है। ठीक है, यहां पर यह नहीं कि विभक्ति जैसी मिल जाए उस अनुसार, जब कहीं पर किसी वाक्य में किसी वस्तु को, ठीक है, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को देने की बात कही जाए, तो वहां समझ जाना कि वो क्या है, संप्रदान का उदाहरण है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ दिए हम तभी कुछ हुआ, संप्रदान हुआ, अगर किसी के लिए कुछ किया भी गया तब भी वहां पर क्या होगा, संप्रदान होगा। दोनों बातों को याद रखना। ठीक है, इसके लिए विभक्ति चिन्ह के लिए आता है और या फिर को आता है। अब कहोगे यहां पर भी को आ गया, कर्ता ने कर्म को, कर्म में भी को आया था। समझिए, इसी चीज को समझना है। जैसे उदाहरण जब आप देखोगे तब आप समझ पाओगे इनके उदाहरण क्या हैं। समझ लो, नरेश मीना के लिए फल लाया है, नरेश जो है मीना के लिए फल लाया। अब यहां के लिए, किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, तो वहां पर क्या है, दोनों जगह संप्रदान है। तो यहां किसी के लिए कुछ किया गया, नरेश ने मीना के लिए फल लाया, तो मीना के लिए कुछ कार्य किया, नहीं किया, किया ना, तो इसीलिए यहां पर क्या है, संप्रदान है। आगे बढ़ते हैं, अन्य उदाहरण को समझिए। विकास तुषार को किताबें देता है। अब तुषार को किताबें देता है, यहां तो आप कहोगे कि गुरुजी आपने कहा विभक्ति चिन्ह को आए तो कर्ता ने कर्म को मारना चाहिए, यहां तो कर्म होना चाहिए। लेकिन यहां ध्यान दो, यहां पर चीजें क्या, कर्म में आपने परिभाषा में पढ़ा था कि क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यहां क्रिया नहीं, यहां किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, इस चीज को याद रखना है ना। ठीक, तो इसमें विकास तुषार को किताबें देता है, कुछ देने का कार्य कर रहा, इसलिए यहां जो चीजें आएंगी वह संप्रदान होगी। एकदम गांठ बांध के डाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर, कुछ अन्य उदाहरण भी इनके लिखे हैं। मेरे लिए खाना लेकर आओ, घर पहुंचे आप हाथ वाथ धुले एकदम और निकाल के फेंके मास्क वगैरह, बैठ गए चढ़ के सोफा पे, मेरे लिए खाना लेकर आओ। ठीक है, अब घर के तो हर कोई राजकुमार होता है ना घर का। ठीक है, अभी कल क्या रहा, पितृदिवस रहा, बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा। देखो, एक चीज अपने दिमाग में बना लीजिए कि बचपन होता है सभी का, ठीक, तो माँ बाप कैसे पालते हैं राजकुमार जैसे आपको, है कि नहीं सभी की। ठीक है, तो कोशिश करिए जो वृद्धावस्था हो उसमें राजा रानी का शौक उनको भी दीजिए। ठीक है, वही एक अच्छी क्या है, पितृभक्ति है। यहां कह रहा मेरे लिए खाना लेकर आओ, माँ अपने बाप के लिए दूध लेकर आई, माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई। अब इसमें किसी क्या शब्द मिल रहे है, के लिए मिल रहा, लेकर आओ, ठीक, कुछ देने की बात हो रही, कुछ लेने की बात हो रही, किसी के लिए कुछ दिया जा रहा या किया जा रहा, तो यहां पर ये सभी उदाहरण संप्रदान के। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है, कुछ लेकर आया किसी के लिए, इसलिए क्या है, संप्रदान है।
साहिल ब्राह्मण को दान देता है, किसी को दान देने की बात आई, ठीक है, जो है विकास ने तुषार को गाड़ी दी। अब ये शब्द जैसे मिलेंगे वो शब्द क्या होंगे, सब वो सभी शब्द आपके क्या संप्रदान के अंतर्गत होंगे। आगे बढ़ते हैं अपादान, ठीक है, बहुत बार ये पूछा है, जो कंफ्यूजन वाले हैं जिनमें दूसरे के साथ टकराव है उनसे सवाल हमेशा बनते हैं, याद रखना। अपादान क्या है, अपादान जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध हो, किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलगाव का बोध हो, वह क्या है, अपादान है। याद रखना, जहां वाक्य में आपको अलगाव की स्थिति मिल गई वहां पर क्या होगा, इससे सवाल बहुत बने हैं और बहुत पूछे जाएंगे, क्योंकि यह ऐसा आपका कारक है जिसमें कंफ्यूजन, भाई ये कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं है, सोल्यूशन पता, देखो कैसे। इसमें विभक्ति चिन्ह अगर अपादान में देखें तो अपादान की विभक्ति चिन्ह जो होती है इसकी विभक्ति चिन्ह से होता है। अब कहोगे गुरुजी ये तो जो है कर्ता ने कर्म को करण से, वहां भी से आया यहां भी से आ गया, वहीं तो मैंने पहले कह दिया कि यहां पर क्या है, कंफ्यूजन की बात है। लेकिन एक चीज ये समझना कि से चिन्ह करण कारक का भी होता, लेकिन वहां इसका मतलब साधन से होता है। जब क्रिया का साधन बने कोई चीज तो वो क्या है, करण है। यहां से क्या होगा, जहां पर आपको अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो, जिस वाक्य में आपको संज्ञा या सर्वनाम का ऐसा रूप देखने को मिले कि वो उस चीज से अलग हो रहा, वहां पर क्या होगा, अपादान होगा। उदाहरण समझ लो कैसे कैसे है। जैसे उदाहरणों में पहला उदाहरण आपके सामने लिखा है कि पेड़ से आम नीचे गिर गया, पेड़ से आम नीचे गिर गया। अब वैसे तो हम सरसरी नजर डालें तो से लिखा है और मार के करण चल देंगे, ठीक है। यहां पर ध्यान देना है कि पेड़ अलग हो गया आम से, वो आम जो है पेड़ से अलग हो गया, इसीलिए अलगाव आया, और जहां अलगाव आता है वहां अपादान होता है, समझ गए, बहुत बढ़िया। अगली चीज है, उसके हाथ से घड़ी गिर गई, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरता है, ये सारे सब आपके कैसे हैं, अपादान के उदाहरण हैं। इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और उदाहरणों को समझते हैं। जैसे मुझे भालू से डर लगता है, अब भालू से डर लगता, आप कहोगे गुरुजी इसमें क्या अलगाव है, अरे अलगाव है, डर लग रहा, दूरी ही बनाओगे, ठीक है, यानी भालू से डर लगता है तो आपको डर लगा, आप उससे दूर होने का भाव यहां आएगा, इसीलिए ये क्या है, अपादान है। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, यहां भी अपादान है। आसमान से बिजली गिरती, अब बिजली आसमान से गिर चुकी, अलग हो चुकी, तो यह क्या है, अपादान है। सुरेश छत से गिर गया, सांप बिल से बाहर निकला, ये सभी के सभी से जो आपके लगे विभक्ति चिन्ह है सभी अलगाव को दर्शा रहे, और जहां अलगाव आएगा वहां अपादान होगा। संबंध कारक को पढ़ते हैं, संबंध कारक क्या होता है, देखिए संबंध रिलेशन, जैसा कि इस नाम से ही पता है हमें कारक के, कि यह जो है किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है, किन्हीं वस्तु में संबंध दर्शाए। जैसे संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता, वह संबंध कारक कहलाता है, समझिए कैसे, ठीक है। उदाहरणों में जाने से पहले विभक्तियों में जाओ, संबंध जब आपको बताना होता है तो कैसे शब्द प्रयुक्त होंगे, काकी के, नानी ने, मामी में, ठीक है, रारी रे, ऐसे शब्द आपको जहां मिलेंगे वहां समझ जाना कि ये विभक्ति चिन्ह संबंधों को दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण कह रहा है यह साहिल का स्कूटर है, का, ठीक है, काकी के आया, तो ये क्या है, संबंध, साहिल का स्कूटर, स्कूटर का संबंध साहिल के साथ है, यानी ये क्या हो गया, यह संबंध कारक हो गया। अगली चीज बढ़ते हैं, यह मानव का घर है, ठीक है, मानव का घर है, यानी इसमें घर का संबंध मानव के साथ जुड़ा, इसलिए यह क्या है, यह संबंध कारक का उदाहरण है। ऐसे तमाम उदाहरण होते हैं, वह राम का बेटा है, वह नरेश का भाई है, ठीक है, राम का बेटा है, नरेश का भाई है, सुरेश की बहन है, मोहन का गांव है, ठीक है, बच्चे का सिर दुख रहा, गाड़ी विकास की है, ये जो एक के साथ दूसरे का संबंध बताने का तरीका है, ये सभी क्या है, ये संबंध कारक के अंतर्गत है। अगला जो कारक होता है वह होता है अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय, ठीक, आश्रय का अर्थ होता है किसी के यहां रुक जाओ, ठीक है, कोई तुम्हें शरण दे दे, ये चीजें। जैसे
संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, ठीक है, कि कोई चीज का बेस क्या है, आधार क्या है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। समझिए, अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह कैसे पता होगी? एक चीज याद रखना, इसमें पहली विभक्ति चिन्ह होती है मैं और दूसरी होती है पर। जहां मैं और पर विभक्ति चिन्ह मिले वहां समझ जाना कि यह किसका उदाहरण है, यह अधिकरण कारक का उदाहरण है। दूसरी बात, भीतर अंदर ऊपर बीच आदि शब्दों का प्रयोग इसी कारक में किया जाता है, ठीक है। उदाहरण समझोगे तब जान पाओगे। जब मैं घर में गया तो कोई भी नहीं था। घर में गया मतलब घर के अंदर जा रहे हो, ठीक है, अंदर जाने की चीजें आई। मैं भी यहां विभक्ति लगी है, तो जहां मैंने बताया भीतर अंदर ऊपर बीच ऐसा कुछ भी लिखा मिले वहां समझ जाना क्या है, अधिकरण कारक जो है मौजूद होगा। आगे बढ़ते हैं, वीर सिपाही युद्धभूमि में मारा गया, ठीक है, युद्धभूमि में मारा गया मतलब यहां मैं आया तो क्या है, ये चीजें आपकी अधिकरण के अंतर्गत बन। कुर्सी आंगन के बीच में बिछा दो, ठीक है, बीच शब्द मिल गया, ये क्या हो गया, अब यहां के लिखा है लेकिन बीच आया तो बीच हम लेंगे। कुछ अन्य उदाहरण भी मैंने लिख रखे हैं, महल में दीपक जल रहा है, ठीक है, वह पहाड़ों के बीच में है, मुझ में बहुत कम शक्ति है, ठीक है, अब यह भी उदाहरण इसी के अंतर्गत होगा। एक स्तर बता रहा ना, एक आधार बता रहा ना आपका, मनु कमरे के अंदर है, वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, ठीक है, गंगा के किनारे गया वह रोज सुबह, ठीक, तो यह क्या है, आधार पता चल रहा, इस चीज को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, संबोधन कारक, संबोधन किसी चीज को क्या है, जहां पर आप संबोधित करें, पुकारें, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलावे या बुलाने, पुकारने, बोलने का बोध होता, वह संबोधन कारक होता है। जैसे इसकी पहचान करने के लिए यह चिन्ह लगाते हैं, ठीक, ये ऐसे जो है चिन्ह लगा देते हैं, यह चिन्ह जो है यह संबोधन का उदाहरण होता, ठीक है। इसमें कैसे कैसे विभक्ति चिन्ह मिलते हैं, अरे हे अजी, आप किसी को बुलाते हो तो बोलते नहीं, अरे सुनिए जरा भाई, ठीक है, अजी सुनिए, ठीक, ये शब्द जो क्या है, ये संबोधित के हैं, और ये शब्द जहां लिखे मिलेंगे वह संबोधन, ठीक। जैसे पहला हे ईश्वर, उसके बाद ये संबोधन चिन्ह लग गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक, ये शब्द जहां भी मिलेंगे वहां, मतलब ये चिन्ह जहां मिलेंगे वहां समझ जाना है कि ये संबोधन के उदाहरण है, ठीक है। शब्द भी ऐसे मिल जाते, अरे सुनिए, हो, अरे हो कहां जा रहे, ठीक है, बात करते नहीं है, तो ये सारे जो हैं, तो उम्मीद है आठों वेद आपको बहुत ढंग से समझ में आए होंगे, जो आज तक की कंफ्यूजन बनी रही होगी, उदाहरण मैंने जितने बताए, ठीक है, इनसे बहुत सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो गई होंगी। अभी तक क्या होता है, देखिए, जब स्वयं से पढ़ते हैं, स्वयं से पढ़ना बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन एक जो है गाइडेंस की हमें तभी जरूरत पड़ती है, क्योंकि सब कुछ चीजें किताब में हो सकता है ना लिखी मिले, इसीलिए जो तैयारी का क्षेत्र होता है उसमें एक मार्गदर्शक की भूमिका जरूरी होती है, ठीक है, और वो टीम परीक्षा प्लस हमेशा अदा करेगी, क्योंकि हम निःशुल्क कोर्सेज आपको चला रहे, तो जो कुछ पढ़ना है आपका दायित्व तो है पढ़ना, और हमारा दायित्व तो है पढ़ाना, आपको मार्गदर्शित करना, रास्ते कैसे हैं, किससे जाओगे तो सफल होगे, यह बताना, उस चीज पर हम काम करते हैं, आपका जो काम है आप उस पर करिए, जब दोनों एक दूसरे के सहायक बनेंगे उसी का नाम सफलता होता है, ठीक है। उम्मीद है लगातार आप प्रयास कर रहे होंगे, जहां पर भी मौजूद हैं, जैसी भी अवस्था में है, पढ़ाई को मत छोड़िए, पढ़ाई बेहतर से बेहतर करिए, और जो भी लेक्चर आपको पसंद आते हैं टीम के द्वारा, इतना ज्यादा मेहनत की जा रही, कोशिश किया करिए जो लेक्चर आप होते हैं टीम के, वो आप देखने के बाद एक बढ़िया सा कमेंट दीजिए, टीम का प्रयास कैसा लग रहा है, आपको समझ में किस आधार पर आता है, एक ढंग से वहां कमेंट लिखिए, और साथ ही साथ क्या किया करिए कि उस लेक्चर को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। आप फेसबुक में किसी ग्रुप पर जुड़े हैं वहां डाल दीजिए, वैसे ही शेयर कर दीजिए, अपनी ही टाइमलाइन पर शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, ऐसा काम जरूर करिया करिए, ठीक है। टीम ऐसे जरूर कोशिश जो है आप लोगों से असमान रहती है कि आप लोग ऐसा जरूर करेंगे, ठीक, और परीक्षा प्लस परिवार में एक जो है सक्रिय सदस्य की भूमिका अदा करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त होकर पढ़िए।